अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम। तो गाइज, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और जिन जिन लोगों ने कर चुके हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ये जो मैं आजकल वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ ये तकरीबन 15-20 दिन पहले के है। और इस दौरान मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी बीच में कि एक तो आउट ऑफ स्टेशन थी, वेडिंग्स में थी, कॉनन की तबीयत ख़राब हो गई थी, साथ ही साथ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये सारे ही वीडियोस पेंडिंग रह गए थे मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये वीडियो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ जाए। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ निकलने की, आज हम लोग निकलने वाले हैं, शाम की ट्रेन है हम लोगों की तकरीबन 8-8:30 बजे की। तो बस लॉकडाउन था सैटरडे संडे उस वक्त, 15-20 दिन पहले की बात थी है, तो इसलिए ना घर से ही हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी। मूंगफली में फ्राई करके इसमें नमक मिर्च और हल्का सा चाट मसाला मिक्स करके मैं इसे पैक करके रख लूँगी ताकि जाहिर सी बात है सफ़र लंबा है, कुछ तो चटर पटर चाहिए रास्ते में, वरना सफ़र का मज़ा नहीं आता। और उसके अलावा भी ना यूजुअली हमें कोई भी सफ़र पे जा रहे हो तो गाड़ी में कोई ना कोई बेचने के लिए सेल करने के लिए आ ही जाते हैं, लेकिन क्लियरली जब हम रिजर्वेशन कर रहे थे उस वक्त नीचे मेंशन था कि कोई भी चीज़ आपको मिलेगी नहीं खाने पीने की, इवन चाय पानी वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि इंतज़ाम से ही निकलेंगे ताकि लंबा सफ़र हमारा आसानी से गुजर जाए। और ये रहा पोहा मैं बना रही हूँ, चुड़वा बना रही हूँ, तो इसे चुड़वा ही कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसे पोहा भी कहते हैं। ये जो पतला वाला पोहा होता है ना वही है, इसे मैं भून ले रही हूँ। आपको जब तक भूनना है तब तक के ये पोहा एक जगह से हो नहीं जाता, शायद मुझे एग्जैक्टली इसे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, लेकिन अब जब भूनते हैं ना इसका टेक्सचर अगर चेंज हो गया तो आप इसे निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैं तेल में फूले चने की दाल डाल दी हूँ, हल्का फ्राई होने के बाद मूंगफली जो निकाल के रखी थी मैं उसे इसमें ऐड कर दी हूँ और करी लीव्स ऐड कर दी हूँ। करी लीव्स ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो भून के रखी थी मैं चुड़वा उसे इसमें ऐड कर दी हूँ और साथ में ये डाल रही हूँ लाल मिर्च और डाल रही हूँ इसमें नमक। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा यमी मज़े का लगता है। अगर आप इसके साथ चाय हो रख दिए ना तो फिर बात ही कुछ और है। सफ़र में ना हम लोग खाना ज़्यादा प्रिफर नहीं करते, इसलिए टिफ़िन वगैरह पैक नहीं कर रही हूँ मैं। बस हम घर से निकलेंगे 7 बजे तो उसी वक्त कुछ ना कुछ खा के निकल जाएंगे और साथ में रास्ते में ये सारी चीज़ें रह जाएंगे तो चल जाएगा, फिर सुबह हम उतर ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए ये हमारा पोहा बनके रेडी हो गया है चुड़वा, और इसमें ना पिसी हुई चीनी मिलाना था, लेकिन जब वीडियो ले रहे थे ना उस वक्त मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे थे, अगर मैं उनके सामने पिसी हुई चीनी मिक्स करूँगी ना तो फिर उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन खाते समय पसंद आ जाता है। यूजुअली हमें भी कोई चीज़ ऐसी लगती है कि हम जब उसमें ऐड करते ना तो पसंद नहीं आता, लेकिन जब हम खा रहे होते तो फिर बड़े शौक से मज़े से खा लेते, तो वही हाल था, इसलिए मैं उनकी गैर मौजूदगी में ऐड कर दी थी। और ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविचेस, वेजेस और एग मिक्स करके ना इसका सैंडविच बना रही थी। मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स बच गए थे तो बस इसे यूटिलाइज़ करने का बहाना था। वैसे भी हम लोग शाम के वक्त ही खाए थे, 4 बजे के टाइम, और 7 बजे हम लोग निकल रहे थे तो ये तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त है, तो भूख भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरन इसे यूज़ करने के खातिर खाना भी पड़ गया था। और इसके अलावा भूख तो लग ही जाती थी, इसलिए भी सोच के हम लोग एडवांस में खा के निकल गए थे। मैं सोची भी थी कि इसे भी पैक कर लूँ, लेकिन ठंडा खाने में फिर उतना मज़ा नहीं आता, अंडे की ना फिर ठंडा होने के बाद स्मेल जो आती ना वो अच्छा नहीं लगता, तो बस इसे कट कर ली हूँ सारे ही ब्रेड स्लाइसेस को मैं, और इस पर डबल डबल स्लाइसेस इस तरीके से रख दूँगी। रखने के बाद तवे पे मैं तेल यहाँ पे डाल दी हूँ हल्का सा, और इसके बीच में हम ये डाल देंगे एग फिलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और थोड़ा यूनिक भी है, बच्चों को बहुत पसंद आता, शौक से खा लेते। और यहाँ बन रही है हमारी चाय, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी एकदम अधूरी अधूरी सी है। तो बस पीकर निकलेंगे और साथ ही साथ रख लेकर भी निकलना है चाय को, क्योंकि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही थी। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है, अब मैं इसे फ्लिप मार दूँगी,
दोनों तरफ से हम इसी तरीके से ब्राउन ब्राउन सेक लेंगे और बस उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं जितने भी बनाकर रखी थी, चुड़वा, मूंगफली, चाय, ये सारी चीज़ों को पैक करना है और फिर निकलना है। और ये बैच बन रहा है मेरे हस्बैंड का, उन्हें खाना था बटर के साथ, तो बस इसलिए वो ग्रीस कर रही हूँ तवे पे। आप बटर, घी, तेल जिसमें भी बना लीजिए, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे एक चीज़ की नॉलेज मिल गई है, तो सोची हूँ कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ। मेरा जो ये नीचे का ब्रेड का स्लाइस था ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे था, इसलिए जैसे ही मैं अंडा डाली थी ना, तो अंडा सारा का सारा बाहर निकल गया और वेजेस इसके अंदर रह गया था। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए ना, ब्रेड के स्लाइसेस आप लोग देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके का इसका स्ट्रेट होना चाहिए ताकि नीचे से अंडा निकले नहीं। तो देखिए जो भी साइड से निकल गया था ना, तो वो बन गया था अंडा, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर ये डाल दी हूँ और बस ये रेडी हो गया है। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधा कार में बैठने के बाद, हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं अभी। कौन बेबी? अब गाड़ी में बैठे ना, ऐसे चेक्टिंग करते, उनको देखो कितना स्वेट हो रहा है इतना विंटर में। वो अल्लाह, ये पैक है, निकल गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेशन पहुंचेंगे उसके बाद फिर मिलेंगे। ज़्यादा रिस्की था, यू नो, बहुत ज़्यादा। मैं इकोनॉमी को उठा ली थी एंड पीछे बोल रही थी भाई पीछे कॉलेज बैग था, तो ना मेरी सांस फूल रही थी और मैं समझी कि मैं अब यहीं गिर जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैठ तो गए खैरियत से। यहाँ देखिए इकोनॉमी, फर्स्ट टाइम जर्नी है ये ट्रेन में, करण की फर्स्ट जर्नी है ये ट्रेन में। नहीं करण की फर्स्ट टाइम जर्नी है, फ्लाइट में भी बैठे तुमने, बस में भी बैठे, सब में बैठे, ट्रेन में क्या बैठे थे तुमने? Bye.
पानी कहाँ है? तिनला ये कार आगता है देवर के बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बहुत मज़ा आया इनसे मिलके। बहुत ज़्यादा हमारी कन्वर्सेशन हुई, बहुत कुछ नई चीज़ सुनने को और एक्सपीरियंस भी हुए। और सफ़र में अगर मुसाफिर अच्छे मिल जाए ना तो फिर सफ़र का मज़ा ना बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी थी इस ट्रेन के सफ़र में। और यूजुअली मुझे ट्रेन पसंद नहीं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा। हमारे रील्स बन रहे और यहाँ पे कौन सो रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहे हैं रील्स। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए और रील्स देखिएगा, बहुत ही मज़ारे वाला है। और हम हैं यहाँ पे ट्रेन में, देखो देखिए आपकी ये ट्रेन, काफ़ी लोग सो चुके हैं। ये मेरी सीट है, ये मेरे हस्बैंड की सीट है, ये ऊपर की ना कंटी की है, लेकिन वो अभी सो रहे नहीं है, तो बस इसलिए ये देखिए ट्रेन। ये देखिए मैं ट्रेन की सूरत दिखा रही, तो ना इनको गुस्सा आ रहा है। लुक एट दिस ट्रेन, 3 बज रहे हो और नींद आ रही मेरे को। पार्टनर तुम इधर आओ, इतने 3 बज रहे हो, अल्लाह कितने झूठे हैं, सही में 11 भी नहीं बजे। इधर आओ, यहाँ से मैं आपको फोटो लेने के लिए बोल रही हूँ, आप इधर आओ तो सही। नींद आ रही मेरे को, 3 बज रहे हैं। अल्लाह, मैं काश स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा सकती, लेकिन वो होता नहीं। लेकिन आप इधर देखो, मैं जब से बोल रही कि यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो लो, तो आप बोल रहे कि एकदम डार्क आ रहा, लाइट आ रहा, जो भी आ रहा है एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ से देखो दिख रहा है ना। अगर बीच में इंसान भी ठहरेंगे ना तो दिख जाता है यहाँ पे कि कोई इंसान ठहर के वीडियो बनाए या फ़ोटो बनाए, लेकिन इनको आ रहा ही नहीं वो फ़ोटो लेना और वीडियो लेना। क्या है ये मजल, आप लोग पूछिए इनसे, पूछिए भाई पूछिए। फ़ोन दो आपका टाइम बताइए, देखो हाथ छुपा ले रहे हो, फोन बताओ, देखो फोन पीछे के जिम में रखे, पीछे के जिम में भी नहीं, कहाँ है फिर फोन? झूठ, अब भी हाथ में, मेरी पब्लिक पूरी देखी, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ ही मैं आपको दिखा रही, देख रहे 11 बज के 7, और अभी क्या बोले ये 3 ना, ऐसे ये हमेशा मेरी टांग खींचना, सताना और पोज शुरू हुए यहाँ पे। चलिए अच्छा, ये जनाब कर रहे हैं बलून नहीं पिलो ब्लो कर रहे हैं, क्योंकि सोने का वक्त हो गया था। यूजुअली ट्रेन में पिलोस ब्लैंकेट वगैरह देते थे, मिलता था, लेकिन कोविड की वजह से ना कोई भी चीज़ ये लोग नहीं दे रहे, क्योंकि हाइजीन की वजह से रही है वो भी बात। और सो गए हैं। ये जो आपको घराटे की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे पार्टनर नहीं ले रहे, क्योंकि इन्हें आदत नहीं है। ऊपर एक आदमी है, अल्लाह अकबर, मैं वीडियो नहीं ले सकती क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, इसलिए नहीं ली। यहाँ से भी सुनिए आपको आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आई, यू नो। अब हो गया था वक्त, रात के तकरीबन कुछ 3 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय पी लूँ और साथ ही साथ कुछ खा लूँ, तो बस उसी के लिए निकाल रही हूँ।
और ये देखिए यहाँ पे मैं खोल रही हूँ और ये साथ ही साथ घूम रहा था, इतना टाइट इसका कैप लगा है ना मेरे हस्बैंड। हमेशा यही प्रॉब्लम होती कि कैप इतना टाइट लगा देते, चाहे वो पानी का बॉटल हो या फिर कोई भी कैप हो, इसी तरीके से लगा देते। और इसका तो लगा कर बहुत अच्छा काम करे क्योंकि चाय गर्म रह गई, वरना मैं लगाती ना तो वो थोड़ा लूज ही लगा देती, चीज़ ठंडी भी हो सकती थी आई थिंक। तो बहुत ज़्यादा मेरी तकरीबन 3 मिनट लगा उसे खोलने के लिए। तो ये देखिए चाय, और ये जनाब सो रहे हैं, और साथ में मैं ले ली थी ये मूँगफली। तो बस मूँगफली खा रही थी और चाय पी रही थी, मज़ा आ रहा था और भूख भी लग रही थी। रात को अगर जगते हैं ना तो जाहिर सी बात है भूख लगती है। और हो गया गुड मॉर्निंग। उठो अब, उठो। हम नहीं उठते अब, नहीं उनको एकदम ना गाड़ी झूला दे रही जबरदस्त। गुलबर्गा की तहारी बहुत फेमस है बोलते ये लोग, और मैं पहली दफ़ा आई हूँ गुलबर्गा। ओके, तो तहारी तो खाना बनता है। अभी फजर की अजान हुई, आप लोग सुने हो ना, तो वही चक्कर है यहाँ पे मेरे हस्बैंड खोलने कहीं पे अगर अवेलेबल हो। लॉकडाउन है एक्चुअली, संडे है आज, तो अगर ऑनलाइन भी मिल गया तो स्विगी जोमेटो कुछ भी कर सकते, बट लेट्स सी। खाना है मेरे को लेकिन तहारी, पानी आ रहा मुँह में और भूख भी लग रही। रात भरने से मैं बेटी तो अभी तक सो रही। देखिए आप, एक मैं ही हूँ निकम्मी, नींद ही नहीं आ रही थी। तो गाइज ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गुलबर्गा, और ये वहां का स्टेशन है और इसका नाम अब चेंज हो गया है कलबुर्गी। तो आप सामने बोर्ड भी पढ़ रहे होंगे, व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ का, तो बस मैं सोची उनके शेयर कर लूँ। और ये हमारा तिरंगा लहराते हुए, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में आ गए थे मामा लेने। गुड मॉर्निंग गुलबर्गा, याद है नहीं कलबुर्गी कहते बेटे नाम चेंज करके। आदाब करो आप। वालेकुम अस्सलाम। फ्लाइंग किस भी दे दो, फ्लाइंग किस। थैंक यू कॉनिन, थैंक यू सो मच, बाय।
से बाय, टाटा टाटा कौन टाटा बाय।